तो जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि बहुत इंपॉर्टेंस है बायोलॉजी के प्रोसेस को समझना, और कुछ चैप्टर्स जो हमने कहा था प्योरली फैक्चुअल है, और हमने 11.5 चैप्टर्स की एक लिस्ट बनाई थी मैंने और कपिल जी ने मिलकर के, जो हमारे हिसाब से मोर और लेस कम्प्लीटली क्या है, फैक्चुअल है, जिसका मतलब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और उनसे हमने आपसे ये कहा था कि आप एक मेटिकुलस पहली बारी पढ़ते हुए एक फैक्ट शीट बनाइए, और वो फैक्ट शीट पिनअप हो जानी चाहिए आपके स्टडी टेबल के सामने, आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, और क्योंकि जब आप उसे बार बार रिवाइज करेंगे तब वो मेमोरी प्रोसेस में आपके आएगा। तो हमने क्या किया है यहां पर, आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक चैप्टर मैंने लिया है जिसे हम कहते हैं इवोल्यूशन, जिसमें हमने ये कहा था कि अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन दिस टॉपिक वुड बी प्योरली फैक्चुअल। सो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें कुछ टॉपिक्स कंसेप्चुअल हैं, कुछ क्या हैं फैक्चुअल हैं, तो मैं एज एन एग्जांपल एक आपके सामने एक फैक्ट शीट प्रेजेंट कर रहा हूं जो आपके सामने आपको दिख रही होगी। दिस इज द फैक्ट शीट दैट आई हैव मेड व्हाइल रीडिंग दिस सेक्शन ऑफ द चैप्टर इवोल्यूशन, व्हाट इज कॉल्ड एज अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। ये 7.8 सब टॉपिक है इस चैप्टर का, और पेज नंबर 137 क्लास 12th NCERT टेक्स्ट बुक पर आपको मिलेगा। सो दिस इज वॉट वी आर डूइंग। सो अगर आप ये देखें तो जैसे अब मैंने आपसे ये कहा कि ये एक 7.8 अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन है। अब मैं आपको इसको पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि ये प्योरली फैक्चुअल है, तो मैंने पढ़ना शुरू किया अबाउट 2000 million ईयर्स एगो द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ अपियर्ड ऑन अर्थ। तो पहली लाइन में मुझे क्या मिल गया, एक फैक्ट मिल गया, क्योंकि मुझे पता है यहां से क्वेश्चन ये आएगा कि कितने मिलियन साल पहले फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ अपियर्ड ऑन अर्थ। तो मैंने यहां पर आप देखें फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ अपियर्ड ऑन द अर्थ 2000 million ईयर्स एगो, ये मेरा एक फैक्ट रिकॉर्ड हो गया। अब मैं इसको आगे पढ़ रहा हूं, और जैसे ही मैं आगे पढ़ता जा रहा हूं तो मुझे एक लाइन मिला, स्लोली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स बिकेम मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म्स, बाय द टाइम ऑफ 500 million ईयर्स एगो इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड एंड एक्टिव। सो मेरे को ये दूसरा फैक्ट मिला, तो मैंने अपनी फैक्ट शीट में लिखा कि इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड एंड एक्टिव बाय 500 million ईयर्स एगो। अगली ही लाइन जब मैं देख रहा हूं तो उसमें लिखा है जॉलेस फिश प्रोबेबली इवॉल्व्ड अराउंड 350 million ईयर्स एगो। सो यहां पर मेरे इसमें रिकॉर्ड हो गया जॉलेस फिशेस प्रोबेबली इवॉल्व्ड कितना, 350 million ईयर्स एगो। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं सी वीड्स एंड फ्यू प्लांट्स एग्जिस्टेड प्रोबेबली अराउंड 320 million ईयर्स एगो। सो अगेन वी आर सेइंग कि सी वीड्स एंड few plants existed 300 million years ago। आप देख रहे हैं मैं किस तरह से पढ़ता जा रहा हूं, और पहली ही बारी जो मेरे पास जो फैक्ट आ रहा है, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आ रही है, उसको मैं अपनी फैक्ट शीट में रिकॉर्ड कर रहा हूं। मुझे इसको बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है। तो अगर आप आगे जाएंगे तो इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, वी आर टोल्ड दैट द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स दैट इन्वेडेड लैंड्स वर प्लांट्स। सो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे को एक और फैक्ट समझ में आ गया कि लैंड पर एनिमल से पहले भी कौन आया था, प्लांट आया था। तो मैंने यहां पर लिख दिया फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स दैट इन्वेडेड लैंड वर, द आंसर वुड बी प्लांट्स। इसके अलावा जब जैसे जैसे हम आगे चलते हैं, फिश विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वॉटर। एज यू कैन सी दिस इज अ लाइन हियर एंड देयर मस्ट बी अ फैक्ट हियर इटसेल्फ। सो आप कोरिलेट कर पा रहे हैं, फिश विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वॉटर इतने मिलियन ईयर्स एगो। सो दिस वॉज अबाउट 350 million ईयर्स एगो। इन 1938 अ फिश caught in South Africa happened to be a coelacanth which was thought to be extinct. Very important fact. तो हमने क्या लिख दिया, a fish caught in South Africa happened to be a coelacanth which was thought to be extinct 1938. तो देखिए फॉसिल एविडेंस पर coelacanth को क्या मान लिया गया था कि ये extinct हो गया है। सो यहां पर मैं आपको नीट प्रेप के वीडियो की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं, वहां पर आपको इसमें एक और फैक्ट एक्सटेंडेड ये मिलेगा कि coelacanth जो है उसको लोगों ने ये माना बेस्ड ऑन फॉसिल एविडेंस कि कई मिलियन साल पहले 65-70 million years ago क्या हो गया था, extinct हो गया था, लेकिन 19
1938 में ये जिंदा मिल गए। इसीलिए हमने कहा था कि फॉसिल एविडेंस को एज एन एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन लेने में बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन वो कहानी इस फैक्ट से शुरू होती है, इस सीलोकैंथ के मिलने से शुरू होती है। दैट वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ। इसके आगे अगर हम जा रहे हैं तो दीज एनिमल्स कॉल लोब फिन्स evolved into the first amphibians that lived on both land and water. So immediately आपने ये देख लिया कि lobe fins, coelacanth and lungfishes evolved into the first amphibians. So आप ये देख रहे हैं कि मैंने अपने वीडियो में जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ा और मैंने जो वीडियो देखा तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, lobe fins में coelacanth और क्या लिख दिया है, lungfish. This is making the fact sheet complete. इसीलिए कपिल जी ने आपसे ये कहा था कि आप हर चीज़ की फैक्ट शीट हमें बना के भेजिए, हम उसमें वर्क करके उसको कंप्लीट करके आपको देंगे ताकि आप जितने फैक्ट्स को याद रखेंगे उसमें से ही क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा, ये हम आपको एश्योर करते हैं। आगे देखते हैं फिर ये आ गया कि हाउएवर दे वर एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग्स एंड सेलामेंडर्स द एम्फीबियंस इवॉल्व्ड इनटू रेप्टाइल्स। ये हम वैसे ही जानते हैं। तो जो चीज फैक्ट, जो चीज आपको पता है उसका आपने जरूरी नहीं है फैक्ट लिखना है। और इसके बाद में इन द नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स और सो रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस डोमिनेटेड द अर्थ। जायंट फंस टेरिडोफाइट्स वर प्रेजेंट बट दे ऑल फेल टू फॉर्म कोल्ड डिपॉजिट्स स्लोली। और फिर आप ये देखिए यहां पर फिर आ गया कि रेप्टाइल्स वर एमनियोट्स वर एम्फीबियंस वर नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट इसलिए है क्योंकि एम्फीबियंस लैंड पर सक्सेसफुल नहीं हुए थे, कौन हुए थे, रेप्टाइल्स ट्रूली सक्सेसफुल वर्टिब्रेट ऑन लैंड थे। सो ये सारी चीजें आपने देखा कि अगर हम इस वाले 7.8 को मैं कर रहा हूं तो मैंने किस तरह से इसको क्या किया है, एक फैक्ट शीट में कन्वर्ट किया है। ये आपके सामने एक मैंने एग्जांपल सेट किया। अब ये जो अगला सब सेक्शन है 7.9, तो मैंने यहां पर लिया है फिगर 7.9। तो अगर आप ये देखें तो आपकी एनसीईआरटी में ये एक फिगर है, इस फिगर को हम कह रहे हैं 7.9। तो ये जो 7.9 फिगर है इसमें आपने देखा होगा अपने टेक्स्ट बुक में कि इस तरह से एक डायग्राम बना हुआ है कि कौन सी चीज किस चीज से क्या हुई है, इवॉल्व हुई है। हमने क्या किया है, इस चीज को सेंटेंस में कन्वर्ट करके आपको दे दिया है ताकि आप डायग्राम को इंटरप्रेट गलत ना करें और आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन सी चीज किससे, किस पीरियड में या किस एरा में क्या हुई थी, इवॉल्व हुई थी। और इसको समझने के लिए अब देखिए बड़े इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और दिखा रहा हूं कि यहां पर हमने क्या किया कि जब हम आगे गए हैं यहां पर तो 7.9 में हमने ये देखा कि रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ द पीरियड्स ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। सो अगर आप यहां पर देखें तो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल की सीक्वेंस है। इट बिगिंस विद सिलूरियन, देन डेवोनियन, देन कार्बोनिफेरस, परमियन, ट्रायसिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। तो ये इस तरह से हमने क्या कहा, पीरियड्स है, हमने ये कहा कि इनकी आप सीक्वेंस याद रखिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। एक सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अरेंज द फॉलोइंग जियोलॉजिकल पीरियड्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस फ्रॉम प्रिमिटिव टू द मोस्ट रिसेंट वन। तो चार की आपको दे दिया और आपसे कहा कि करेक्ट सीक्वेंस में लगाइए। और इसका मैंने फिर एक नेमोनिक बनाने की कोशिश करी है और इस नेमोनिक में मैंने कहा है कि जैसे ये कहा था SDCPT GCTQ, someday can physics teacher just coach total quality. तो ये सब्जेक्ट से आप घबराते हैं, आई कुड नॉट फाइंड अ बेटर वर्ड फॉर पी, तो मैंने यहां पर यूज किया है। ये नेमोनिक आपने बनाया, यूज नेमोनिक्स। कार्पल बोन्स, एक और चीज हमने कहा था कि जो स्केलेटन है वो क्या है, फैक्चुअल है। तो कार्पल बोन्स का अगर आपने नाम याद करना है, आप किसी भी मेडिकल स्टूडेंट से कहें तो वो कहता है श्यामलाल टिंडे पकाओ टिंडे तो कच्चे हैं। तो ये नाम है, तो श्यामलाल जो हुआ वो स्कैफोइड हुई, फिर ल्यूनेट हुई, सो ऑन एंड सो फोर्थ, कच्चे हैं में CH में कैपिटेट और हेमिटेट, कैपिटेट और हेमेट बोन्स हो गई। तो ये नेमोनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज बड़े ध्यान से आपको समझनी चाहिए कि आपका जो राइट ब्रेन है बड़ा एक आर्टिस्टिक ब्रेन है। अगर आप किसी चीज की स्टोरी बनाते हैं तो कोई चीज आपको जल्दी से याद हो जाती है। सो एक कैलकुलेटिव ब्रेन है और एक राइट ब्रेन है, अगर आप दोनों को यूज करेंगे तो आपको मेमोरी, आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं कि 10-20 लोगों को खड़ा करते हैं और कहते हैं किसी जानवर का नाम लो और
एकदम उसके बाद में सीक्वेंस से बता देंगे कि किसने क्या किया. इट इज नथिंग, इट इज नथिंग, इट इज नथिंग. इट इज यूजिंग बोथ द ब्रेन्स. देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट. दे डू नॉट हैव अ सुपर नेचुरल पावर. सो आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो इसको मैं एग्जाम्पलीफाई करूंगा फिगर 7.10 से. सो हमने ये देखा कि यहां पर मैंने पहली इंफॉर्मेशन दी है, रेप्टाइल्स एरोज फ्रॉम एम्फीबियंस इन लेट कार्बोनिफेरस. तो ये हमने क्या कहा कि ये बेसिकली आप देख रहे हैं, ये एक तरह की आपकी पूरी फिगर बनी हुई है. और हमने ये कहा कि ये लेट कार्बोनिफेरस में रेप्टाइल्स क्या हुए हैं, ओरिजिनेट हुए हैं. तो जो चीज यहां पर पिक्टोरियली प्रेजेंट है उसको मैंने क्या ले लिया है, फैक्चुअली ले लिया है. नियर द क्लोज ऑफ कार्बोनिफेरस एंड इन वेरी अर्ली परमियन द टू ब्रांचेस सोरोप्सिड्स एंड साइनेप्सिड्स एरोज. देखिए कितनी अच्छी बात है. अगर आप यहां पर देखेंगे, ये कार्बोनिफेरस का एंड हो रहा है और परमियन का शुरू हो रहा है. यहां पर आप ये ब्रांच देख पा रहे हैं. सो ये ब्रांचिंग आप यहां पर देख पा रहे हैं, जो हम ये कह रहे हैं कि ये दो ब्रांचेस यहां पर डाइवर्ट हुई हैं और ये सोरोप्सिड्स और साइनेप्सिड्स क्या हुए हैं, यहां पर एरोज हुए हैं. दिस इज सिंपलीफाइंग एनसीईआरटी अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चन आएगा इस तरह से मैंने इसके क्या बना लिए हैं, फैक्ट्स बना लिए हैं. और जैसे बर्ड्स इवॉल्वड इन द लेट जुरैसिक, सो अगर आप देखें बर्ड्स किस में इवॉल्व हुए, लेट जुरैसिक पीरियड में आप आएंगे तो आप ये देखेंगे यहां पर कौन इवॉल्व हुए हैं, बर्ड्स इवॉल्व हुए हैं. सो अगर आप बड़े ध्यान से देखें, ये बर्ड्स हैं. सो बर्ड्स की एरो कहां पर आ रही है, लेट जुरैसिक पे. और मैंने इसको डायग्राम की जगह आपको किस में दे दिया है, ये फैक्ट में दे दिया है. और याद रखिएगा बेटे कि किसी भी दिन ये क्वेश्चन आ सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल कि आप ये देखें कि ये जो थेरैप्सिड्स हैं ये जुरैसिक पीरियड में थे और जब ये एक्सटिंक्ट हुए तो एक्सटिंक्ट होने से पहले दे इवॉल्व्ड इनटू मैमल्स. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मैमल्स किस एक्सटिंक्ट रेप्टाइल ग्रुप से क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ मेकिंग अ फैक्ट शीट. सो ये जो फैक्ट शीट है ये आपको बहुत मदद करेगी. और जैसा नीट, जैसे मैं एक आप एक बात समझ लीजिए, ये जो आपके पार्टनर्स हैं जो आपको तैयारी करा रहे हैं नीट प्रेप वाले, इनका आपको बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए कि डे इन एंड डे आउट ये लोग ये सोच रहे हैं कि किस तरह से आपकी जर्नी को आसान किया जाए. सो आज मुझे बड़ा अच्छा लगा जब इन्होंने कहा कि सर लेट अस रिकॉग्नाइज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोग अब ये फैक्ट शीट बनाइए, हमें इसको आप क्या कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए. मैं एक व्हाट्सएप का आपको नंबर देता हूं और उसके बाद वी विल ट्राई टू इंप्रूव एवरी फैक्ट शीट एंड देन पब्लिश द पीडीएफ ऑन द टेलीग्राम ऑफ द टेलीग्राम प्लेटफॉर्म ऑफ द नीट प्रेप. सो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई है. सो हम एक आपको नंबर दे रहे हैं. द नंबर इज 8929375736. दिस इज द व्हाट्सएप नंबर दैट कैन बी यूज्ड to send all your fact sheets. Rest assured, हम दिन रात काम करके इसको इम्प्रूव करेंगे और कंप्लीट करके टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ को क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे. और भी कोई तरीका होगा तो वो कपिल जी आपको बताएंगे. और हम ये इंश्योर करेंगे कि आपका ये जो परस्यूट है जिसमें आप ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सिलेक्शन के पीछे आप जो लगे हुए हैं, इसमें हम जितना आसान कर सके रास्ता आपका वो करेंगे. लेकिन याद रखिए, मेहनत आपको खुद करनी है. फाइनली मैं आपको एक या दो एग्जाम्पल्स और दिखाना चाहूँगा. मैंने कुछ और फैक्ट शीट्स बनाई हैं, उसका एग्जाम्पल मैं अभी आपको स्लाइड शो में दिखाऊंगा. तो जैसा अभी हमने एक फैक्चुअल फैक्ट शीट देखी, ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, और मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ और एग्जाम्पल्स आपको दिखाता हूँ. अच्छा, इन एग्जाम्पल से आपको ऐसा लगेगा कि सर ने काफ़ी सारा काम किया हुआ है. तो पहली चीज़ मैं आपको शुरू में ये बता दूँ कि ये सब मैं परोस के आपको देने वाला नहीं हूँ. जैसा मैंने आपसे कहा था कि आपकी मेहनत है, जब आप फैक्ट शीट बनाएंगे तो बनाते हुए डबल री इन्फोर्समेंट हो रहा है. एक तरफ तो आप लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो ये दो बात दिमाग में रजिस्टर हो रहा है. तो बहुत सारी चीज़ें तो फैक्ट शीट बनाते हुए ही आएगा. एजुकेटेड को हिंदी में पढ़ा लिखा कहते हैं बेटे, आप लोग खाली पढ़ा पढ़ा है. सो कई बार मैं बच्चे को देखता हूँ MCQ खाली किताब ही किताब से सॉल्व करके पहुँच जाता है और फिर बाद में एग्जाम्पल सॉल्व नहीं होते. तो मेरा मतलब ये है कि पढ़ना भी जरूरी है और लिखना भी जरूरी है. तो ये जरूर आप मेहनत करेंगे, ये सारी की सारी चीजें हम आप ही की फैक्ट शीट में से इंप्रूवमेंट करके आपको देंगे, ये बात याद रखिए. लेकिन मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और दिखाता हूं. सो फॉर एग्जांपल, अगर आप फर्स्ट यूनिट की तरफ जाएं, जो आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी है, तो उसमें लिविंग वर्ड में आप देखिए हमने लिखा जैसे ट्रू रीजनरेशन इज सीन इन प्लेनेरिया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस आर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइफ.
ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू लिविंग इंट्रैक्शन, नंबर ऑफ स्पीसीज इतनी है, ICBN स्टैंड्स फॉर दिस दिस थिंग, और टेक्सोनॉमिकल हायरार्की ये है, ये मैंने कुछ क्या बनाए हैं फैक्ट शीट्स। अगर मैं इसमें नीचे जाऊंगा तो आप देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शुरू हो गया है। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पहले बैक्टीरिया के ऊपर आपकी क्या आ रहे हैं फैक्ट्स आ रहे हैं, अगर आप इसको देखें बड़े ध्यान से तो हम ये देख रहे हैं कि बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटरोसिस्ट, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस थिंग्स सच एज नाइट्रेट्स नाइट्राइड्स एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर ATP प्रोडक्शन, सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय ज़ेंथोमोनास सिट्री, ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है बैक्टीरियम, इसी तरह से माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन एंड कैन बी पैथोजेनिक टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें मैं अगर आगे जाऊं थोड़ा सा आगे जाऊं तो आप ये देख रहे हैं कि यहां पर हमने स्पोर्स लिखे हैं कि फाइकोमाइसीट्स में एक साथ लिख दिया। अगर आप बड़े ध्यान से देखें मैं थोड़ा सा ऊपर आ जाता हूं, मैंने क्या किया है इस NCERT को क्लब करने की कोशिश की है। तो क्वेश्चन ये आता है कि माइसीलियम किस में कैसा है, तो ये आप फाइकोमाइसीट आस्कोमाइसीट बेसिडियोमाइसीट ड्यूटेरोमाइसीट चार अलग अलग पेज पे पढ़ रहे हैं NCERT में। इसमें क्वेश्चन ये पूछते हैं कि इसमें जो डिफरेंशिएटिंग फीचर है माइसीलियम का वो किस में कैसा है, तो आपने ये चारों एक जगह लिख लिया, ये फैक्ट शीट समझ रहे हैं। तो आपने फाइकोमाइसीट्स में लिख दिया एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट किस में है आस्कोमाइसीट्स में, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट इसमें है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट इसमें है। इमीडिएटली मुझे पता चल गया कि इन तीनों में ब्रांच्ड एंड सेप्टेट है, और इसीलिए मेरे को ये पता लग गया कि 10 साल में दो बार क्वेश्चन ये आया है कि माइसीलियम इज नॉट ब्रांच्ड एंड सेप्टेट इन, ये चार चॉइसेस आई थी उसमें एंड द आंसर इज फाइकोमाइसीट्स। इसी तरह से आपने क्या देखना है कि स्पोर फॉर्मेशन किस ग्रुप में किस तरह से है। सो यहां पर मैंने एक साथ क्या कर दिया है क्लब कर दिया है कि एंडोजिनसली प्रोड्यूस हो रहा है एक्सोजिनसली प्रोड्यूस हो रहा है और इनको हम क्या कह रहे हैं। आगे देखेंगे आप तो आपने देखा एग्जांपल्स आ गए, आगे आप जाएंगे तो प्लांट किंगडम में भी हमने क्या किया है जैसे एल्गी में भी हमने ये देख लिया कि फॉर एग्जाम्पल कि इकोनॉमिकली यूजफुल एल्गी कौन कौन सी NCERT में दी हुई है। सो आपने ये देखा पोरफायरिया ये सब एडिबल है, एल्गिन किससे मिलता है हाइड्रोकोलाइड है जो ब्राउन एल्गी से मिलता है, एगार किससे मिलता है जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया जो कि रेड एल्गी हैं, पायरेनोइड्स क्या है दे आर प्रोटीन बॉडीज विद अ स्टार्ची एनवलप। बहुत कंफ्यूजन होता है कि स्टार्च बीच में है प्रोटीन का एनवलप है कि प्रोटीन बीच में है या स्टार्च का एनवलप है, और एग्जाम में एक सेकंड की कंफ्यूजन आपका ये क्वेश्चन गलत करा सकती है। सो इस तरह से आपने ये क्या बनाना शुरू किया फैक्ट शीट्स बनाने शुरू किए। फिर आपने देखा कि ये देखिए कई बार क्वेश्चन इस तरह से आता है कि मान लीजिए वो आपसे ये पूछ लेगा कि यूलोथ्रिक्स में ये चीज किस तरह की है या यूलोथ्रिक्स में कौन सा पिगमेंट मिलता है। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि यूलोथ्रिक्स इज अ ग्रीन एल्गी। सो NCERT के एग्जांपल्स मैंने एक जगह लिख दिए हैं। इसी तरह से आप देखेंगे आगे ब्रायोफाइट्स, इसी तरह से हमने सारे के सारे ये फैक्ट्स बनाने शुरू कर दिए ब्रायोफाइट्स जिम्नोस्पर्म्स इसके, और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेडिकल एंट्रेंस का हमने कवर किया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिवर वोर्ट्स एंड मॉसेस। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लिवर वोर्ट या मॉसेस आर कैरेक्टराइज बाई ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि इस तरह से ये क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हैं। और अगर आप आगे जाएंगे तो ये मैंने यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आपकी NCERT के लिए है क्योंकि इनके ऊपर भी फैक्ट्स आता है, सीधा ABCD लिखा हुआ आएगा और वो ये पूछेंगे कि इसको आप लेबल कर दीजिए, तो फैक्ट शीट में आपका डायग्राम भी आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको लाइफ साइकिल्स दे दी, जैसे लाइफ साइकिल टेरिडोफाइट की, लाइफ साइकिल मैंने इससे पहले दिखाया ब्रायोफाइट की, तो इससे आपको ये पता चला कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इवेंट क्या क्या है। ये हमारी एक क्या बन गई है फैक्ट शीट बन गई है। अब मैं एक फैक्ट शीट आपको और दिखाता हूं, इस फैक्ट शीट में आप ये देखिए कि दिस इज अ फैक्ट शीट दैट इज फॉर फ्रॉम एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम में मैंने यही देखा है जैसा मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बजाय सीधा फाइलम पूछने के वो ये पूछ लेंगे कि इस एनिमल में ये फीचर कैसा है, तो आपको पता होना चाहिए कि एनिमल किस पर्टिकुलर फाइलम को बिलोंग करता है। सो हमने क्या किया है इस फैक्ट शीट में, हमने सारे के सारे एग्जांपल्स एक साथ लिख दिए हैं सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स के। कैन यू सी हमने सारे के सारे क्या रख दिए हैं, ये सारे एग्जांपल्स लिख दिए, इनके कॉमन नेम्स है, ये मुझे पता है कि ये इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ये एक्सटेंडेड एक फैक्ट शीट है, इतने एग्जांपल शायद आपकी NCERT में नहीं है लेकिन मैंने अपनी तरफ से कुछ इसमें ऐड किया है आपके नीट प्रेप के ही वीडियो को देख के। तो आप मानेंगे नहीं, मैंने सर लोगों के वीडियो देखे नीट प्रेप पे जो है और जो जो उन्होंने इसमें क्या किया है एक्सप्लेन किया है उससे मैंने ये कंप्लीट
इंफॉर्मेशन एक जगह इकट्ठी कर ली है, और जब ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास एक जगह इकट्ठी हो गई है तो मुझे बार बार अलग अलग किताबों को देखने की जरूरत नहीं है। मैं इसको बार बार क्या करता रहूंगा, रिवाइज करता रहूंगा, और सूनर और लेटर ये मेरे दिमाग में क्या हो जाएंगे, इम्प्रिंट हो जाएंगे। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। सो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। सो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए किसके, फैक्ट शीट्स के, और अब मैं आपसे ये चाह रहा हूं कि आप खूब मेहनत कीजिए, एक बारी बैठ करके इन 11.5 चैप्टर्स की क्या बनाइए, फैक्ट शीट, और वो जो नंबर हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था उस नंबर पे आप इसको क्या कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ताकि हम जो है आपको इसका, इसके ऊपर जो इसका इंप्रूव्ड वर्जन है उसको आपको दे सकें और कंप्लीट कर सकें आपकी इंफॉर्मेशन, और मदद कर सकें आसान करने में बायोलॉजी का पेपर, ताकि आप आसानी से 310 प्लस स्कोर करें और बहुत अच्छे से सेलेक्ट हों बहुत बढ़िया मेडिकल कॉलेज में। थैंक यू।